कहाँ है एलजी, कहाँ है भाजपा के सांसद? कल से कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या उनके लिए ये मुद्दा नहीं है कि डीडीए के तहत आने वाला एक नाला, एक 15 फीट खुला नाला, जिसके ऊपर ढक्कन मैनहोल के ऊपर कवर ना लगे होने की वजह से एक बच्चा और एक माँ की मृत्यु हो गई। 23 वर्षीय वो महिला और 2.5 ईयर्स का वो बच्चा, आपने अखबारों में पढ़ा, दोनों चिपके हुए मिले। बच्चे को बचाने के लिए माँ उस नाले में कूद गई और आधा किलोमीटर बहने के बाद उन दोनों की लाश मिली। इतना ही नहीं, भाजपा की पुलिस वहां जाकर जूरिसडिक्शन के ऊपर लड़ रही थी, कोई मदद नहीं की। कहां है एलजी? क्या उनका काम सिर्फ दिल्ली सरकार के काम रोकने का है? भाजपा के एक ओछे प्रवक्ता हादसे के बाद उस नाले पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं ये पीडब्ल्यूडी का नाला है। कम पढ़े लिखों की सरकार को कभी कभी किताबें भी देख लेनी चाहिए। भाजपा के एलजी जब एमसीडी के तहत जो तीन बच्चों की मृत्यु हुई कोचिंग सेंटर में, वो बेसमेंट में पानी भरने से, एमसीडी में 15 साल से भाजपा का राज था और वो यूपीएससी एस्पिरेंट धरने पर बैठे हैं, उनको पता है कि एलजी साहब राजनीति करने आए थे, उनको पता है कि पुलिस की मिलीभगत से ऐसे बेसमेंट्स चल रहे थे, उनको पता है कि दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उनके साथ खड़ी है, उनको पता है कि भाजपा ने अपने 15 साल के कुशासन एमसीडी में ऐसे अवैध निर्माण कराए और एलजी के वहां आने पर एलजी गो बैक के नारे लगाए उन बच्चों ने। आज जो डीडीए के तहत ये नाला आता है, जो सीधे तौर पर एलजी जिसके चेयरमैन है, जो एलजी के अधीन आता है, आज वो एलजी कहीं दिख नहीं रहे। क्या उनको पिटने का डर है? क्यों नहीं वो कोई आर्थिक सहायता अनाउंस करते उस परिवार के लिए? क्यों नहीं वो कोई जॉब अनाउंस करते उस परिवार के लिए, अगर वहां कोई डिपेंडेंट और है तो? क्यों अपने पद से चिपके रहना चाहते हैं एलजी? क्यों इस्तीफा नहीं देते? उनका काम सिर्फ दिल्ली सरकार के काम रोकना है क्या? कहां है वो 11 सांसद, 7 सांसद जो आवाज नहीं उठा रहे अब दिल्ली वालों के लिए? ये गंदी राजनीति, ये ओछी राजनीति भाजपा को छोड़नी होगी। अरविंद केजरीवाल के सरकार के जितने मर्जी काम रोकने की कोशिश कर ले भाजपा, हम फिर भी काम करते रहेंगे। हमारी पावर्स छीन ले, हम फिर भी काम करते रहेंगे। दिल्ली वालों का कोई काम नहीं रुकने देंगे। जो पावर सीधे तौर पर एलजी के अधीन आती है, जिस वजह से ये अवॉइडेबल डेथ्स हुई, क्यों नहीं इस पर केंद्र सरकार एलजी के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा? किस नैतिक आधार पर एलजी इस पद पर बने रहना चाहते हैं? हमारे मंत्रियों को झूठे केसेस में फंसाकर बेल मिलने के बाद भी जेल में रखा हुआ है, उसके बाद भी वो एमएलए फंड से अपने कार्य क्षेत्र में, अपने एरिया में कार्य करवाए जा रहे हैं जेल के अंदर रहते हुए भी। तो एलजी को क्या दिक्कत है? कहां है एलजी? इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे कल से? क्या उनके लिए इन जानों की कोई कीमत नहीं थी? एलजी के ऊपर जांच होनी चाहिए। जांच होने तक एलजी को इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा को अपनी नाकामियां बार बार छुपाने का मौका आप सबको भी नहीं देना, और प्लीज पुरजोर तरीके से उस परिवार के लिए आवाज उठाएं। धन्यवाद।